पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है जेजेपी को लेकर, बोले हैं पूर्व सीएम हुड्डा। तो जेजेपी के समर्थन पर पूर्व सीएम हुड्डा ने बयान दिया, सबको दिया जाएगा पूरा मान सम्मान। तो एक तरफ जेजेपी की तरफ से बयान आया और अब हुड्डा ने बयान दिया, गठबंधन करके ही आगे बढ़ना होगा, जेजेपी के समर्थन से सरकार बनाने में नहीं कोई दिक्कत। तो अन्य मुद्दों पर की जाएगी बात। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम है हरियाणा के और अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जेजेपी के साथ बयान में जिस तरीके से उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है, साफ कर दिया है कि वो भी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। इन दोनों पार्टियों की, हालांकि इनेलो और कांग्रेस की, जो तल्खी है वो किसी से छिपी नहीं है। एक दौर था जब बार बार हुड्डा पर आरोप लगते थे कि उन्हीं की वजह से इस परिवार को जेल हुई। और कोई, ये तो हमारे ऑलरेडी हमारे घोषणा पत्र में है, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, उसमें कोई और वो चाहते हैं, हम खुले दिल से उनकी बात सहमति कर सकते हैं। जो उन्होंने बात कही मैंने उसका जवाब दिया है। आंकड़ा तो बनेगा, मतलब 31 से 41 होंगे, जब भी तो आगे आंकड़ा चलेगा। कह रहा हूँ मैं तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, वो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उनको होगा, ये तो उनकी वो जो है उनकी सोच और उनकी कार्रवाई करने, उनका काम करने का तरीका है। बाकी हमने तो जो पढ़ा है, पूरा है सर। जो हमने पढ़ा है, जो सुना है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-3 बात कही है उनने, वो कल भी कही थी मैंने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कोई हमारे को दिक्कत नहीं है और मान सम्मान स्थान की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हुड्डा का बयान आपने सुना है, पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला और कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि जो हालात पहले नजर आ रहे थे, गुटबाजी में कांग्रेस घिरी हुई थी और उसके बाद हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, नतीजे सबके सामने हैं, कांग्रेस काफी मजबूती से आगे बढ़ी है लेकिन जादुई आंकड़े से काफी दूर है। और अब जेजेपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब हुड्डा ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ किया है कि जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार है और तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर बैठकर बातचीत की जा सकती है। जेजेपी को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थिति साफ कर दी है कि कांग्रेस की मंशा भी है कि सरकार बनाए, जेजेपी के समर्थन के साथ भी सरकार बनाने को तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ अनिल मोर फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। जी अनिल मोर, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया है, जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं और शर्तों पर भी विचार किया जा सकता है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जो हमारे एजेंडे के तहत, जो हमारे मैनिफेस्टो के तहत, जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बात मानेगा उस पार्टी को हम समर्थन पर विचार कर सकते हैं। हालांकि आखिरी फैसला दुष्यंत चौटाला ने शाम 7 बजे करना है। हालांकि किस पार्टी को करेंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही ऑप्शन उनके लिए खुली थी। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो खासतौर पर जेजेपी को उन्होंने खुला ऑफर दे दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम खुला ऑफर देते हैं कि चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे स्थान की बात हो, हम उनकी सारी बातें मानने के लिए एक तरीके से तैयार है। साथ ही जो पार्टी मैनिफेस्टो की बात की, जो जो एजेंडे की बात की, उन्होंने कहा कि वो सारी की सारी बातें हमारे पार्टी मैनिफेस्टो में ऐड है। जी अनिल मोर, अगर इस बात को भी समझने की कोशिश की जाए, एक तरफ बीजेपी सक्षम नजर आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर जी हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो हरियाणा में जो तस्वीर बन रही है, एक तरफ बीजेपी के पास भी जादुई आंकड़ा नहीं था लेकिन सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी और अब 8 निर्दलीयों के समर्थन के बाद बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है। जेजेपी ने भी एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ कर दिया है कि सरकार बनाने को लेकर वो भी इच्छुक हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी समर्थन अगर मांगा जाए तो वो भी बातचीत करने की स्थिति में हैं। और अब हुड्डा ने भी साफ कर दिया है कि जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए वो तैयार हैं।